रचित ये क्या हो रहा है? रचित शादी इंस्टा की, इंस्टा की? ओ गाइस इंस्टा की शादी होने वाली है, मेरे को क्यों नहीं बताया? मेहमान आ चुके हैं। दुल्हन कहाँ है? दुल्हन पार्लर गई हुई है 2 घंटे से। ए इंस्टा तेरी बीवी पार्लर गई है? वाह वाह इंस्टा की शादी हो रही है। Hey cuties, welcome back to my new vlog. तो आज रचित के शूट का 5वां दिन है, 5वां तो नहीं कह सकते, 4th डे ही कह सकते हैं क्योंकि हमने एक दिन का गैप भी ले लिया, एक दिन हमने कोई शूट नहीं किया। और अभी बज रहे हैं 3:15 और अब हम जा रहे हैं शूट स्टार्ट करने। मैंने अपना हेयर वॉश किया है क्योंकि रात में मैं ऑयलिंग करके सो गई थी, तो अभी हम जा रहे हैं अपना शूट स्टार्ट करने और मैं जा रही हूँ रेडी होने। घर में देखो कौन कौन आ चुका है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, एक बार दिखा देती हूँ मैं। सबसे पहले चलते हैं बालकनी में, आपको देते हैं रचित और इंस्टा के दर्शन। ये देखो इंस्टा प्यारा बेटा, और ये रचित फोन पे बात कर रहा है, यहाँ पे अभी अभी सोकर उठाएगी। और इधर चल के देखते हैं यहाँ पे कौन है। ये देखो मिक्की, ये मिक्की का दोस्त ये आ गया मिक्की का दोस्त। अब दोनों यहाँ पे खेलेंगे, अभी बालकनी में बैठा था, मेरे पीछे पीछे आ गया मिक्की के पास। क्या क्या एडिट कर रहा है व्लॉग? चलो कर लो भाई तुम, अभी उठाइए। कब सोया था तू? 8 बजे। ये भाई सुबह 8 बजे सोता है, फिर दोपहर के 3 बजे उठता है। और यहाँ पे देखते हैं कौन है, इनसे मिलो, इनको तो आप जानते ही होगे, ये कौन है नीचे कमेंट्स में बता देना। और आज मैं रचित के शूट पर हूँ। आज ही आई है रचित के शूट पे? मैं तुमको नहीं जानती, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ भी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। और ये देखो बहन सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गई, और आज सुबह सुबह नहीं है, ये दोपहर है। हाँ हाँ मतलब तू दोपहर में ना आई है, मैं भी, मैंने तो बस सर धोया है। इधर दिखा देना शक्ल। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ अभी, हट जा। ठीक है ढूंढ ले। और भाई मैंने ये मेहंदी, ये मेहंदी देखो, ये मेहंदी मैंने रात को इसको लगाई थी और काफी ठंड लग रही थी इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं की। ये देखो कितनी सुंदर मेहंदी है, ये कह रही है ये बहुत बेकार लगा रखी है, जबकि मैंने कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। ये तो अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग, ये मेरे को ये चीज अच्छी लग रही है। ये क्या है? ये सारी अच्छी लग रही है। नाम भी देखो, नाम भी लिखा, और लिखा कहाँ पे? देखो मैंने इसके पति का नाम भी लिख दिया मैंने। सुन काम कर, मैंने कहा यहाँ देखेगा रहा, मैंने भी यही बात कही थी, मैंने कहा फिर ऐसे से बुलाइयो इधर काम। हाँ ये कह रही इस पर मेरा कल भी शूट है। ओके और परसों भी। ओके इसी वीडियो का नहीं, नेक्स्ट रचित मेकअप करूंगी। अभी स्क्रिप्ट देखता हूँ, इसमें तो मेरा है ही नहीं, एक डायलॉग है बस। एक है बस, ये पापा लिखा हुआ है बस उसमें, वो मम्मी कर देंगे ना। हाँ वही एक ही डायलॉग है वो बस। बना लेंगे सीन, कुछ आपके दिमाग में आए कि एड ऑन करना है तो कर लेना। वाह फुल वो है लिबर्टी। वाह रचित के पहले आपको एड दिया गया छोटा सा, छोटा एड रचित के शूट नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखो कुछ ना कुछ बनता रहेगा सीन, अभी तो यही था, तो मैं आंटी को बुला लेता हूँ। फिर आंटी सॉरी बात रचित, हाँ, बोलता रचित है। बोलता है तो क्या बोलो? वो कहती है मैं ओनली स्वीट 16 हूँ। हाँ, तो मैम एजेस्ट जस्ट नंबर। शिल्पा जी बोलो, मैं तो मम्मा मतलब आंटी जी सुनकर ना मेरे को हार्ट अटैक आ जाता है, फिर मैं हाँ ओके आंटी मत बोला करो, दीदी बोल लो, भाभी बोल लो, मैं तो मम्मा ही बोलती हूँ। सही बात है, मेरे जो कैरेक्टर में तो वही बोलती हूँ, मत बोला करो, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं तो नंबर भी तूने मैं जो भेजा उसके आगे आंटी लगा के सेव किया है। वाह मैंने कैसे भेजा था? अब आंटी मत बोला कर यार। नहीं मैं नहीं बोलती, मैंने क्या लिख के भेजा था उसने चेंज कर दिया, जैसे मैं भेजती वैसे सेव। नहीं मैं तो फिर उस अकॉर्डिंग सेव करूंगा जो मुझे याद रहे। वाह आंटी याद रहे, शिल्पा जी बोल दिया था, शिल्पा शूट सेव कर लो। ठीक है अब मैं प्रैक्टिस कर, परिवर्तन में समय लगता है। और मैं देखो अभी सिब्बू ने मुझे प्रॉमिस किया कि करवा चौथ पे ये मेरे मेहंदी लगाएगी। हाँ। इतने फिर इसने मुझे बोला कि मैं शगुन लेती हूँ, मैंने उस पे ब्लॉग बना लियो तो तेरे को शगुन मिल जाएगा। तो यहाँ तक करवा चौथ पे भी बहुत टाइम है कोई ना। ठीक है और यार मेहंदी तो दिखा दे गाइस, ये एक बार मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना ये मैंने मेहंदी कैसी लगाई है। बहुत प्यारी लगाई है यार, बहुत प्यारी है, पीछे भी दिखा दे। मेरे को अच्छी लगी, मेरे को सिर्फ ये चीज अच्छी नहीं लगी यार, कितनी सुंदर बनाई है, राखी बना दी है इसने, सुंदर नहीं लगाई, अच्छी लग रही है मुझे। ये चीज हटा के ये जो है थोड़ा सा और ऐसे ऐसे कर देते, बड़ा फ्लावर तो अच्छा लगता, ज्यादा बेटर होता। तो तू खुद लगा लेती? मेरे को आती नहीं है। हाँ तो जो लगाया ना उसमें खुश रहे, ये लड़की मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है मेरी बेटी।
सुन लिया, एक्ट्रेस की चाल भी करके चल ऐसे चुपचाप के बताती है। देखा था व्लॉग? व्लॉग देखा था नहीं, लेकिन उसने भी तो चल रही थी ऐसे ऐसी स्कर्ट पहन के, देख लेना। वो नहीं, वो हमारी बॉलीवुड की है ना एक, जो ऐसे चलती ऐसे चलती है, मलाइका अरोड़ा। मैंने एक्टिंग करी थी, उस पर काफी कमेंट्स आए थे। और एक चीज तो मैंने दिखाई नहीं, ये देखो मेरी मम्मा मेरे लिए क्या लाई है, आप खुद दिखाओ। अरे यार नॉर्मल सा सामान लाई हूँ, उसमें क्या दिखाना? ये मैं लास्ट शूट पे जब आए थे मैंने इनको, इन्होंने सुन लिया था मेरे को क्या क्या चाहिए, तो ये देखना। डियो चाहिए था उस दिन अपनी बहन से बोलती, वो बहन लाई ले आई है। तो ये मेरे लिए डियो लेकर आई, और ये और दोनों, ये क्या बोलते हैं, दो लिप ग्लॉस लेकर आई है, लिपर कलर भी बड़े प्यारे प्यारे हैं, और शूट पे पहनने के क्लिप्स लेकर आई हूँ, मेरी बेटी को क्लिप्स पहनना बहुत पसंद है। तो यार देख लो देख लो भाई मेरे को क्या क्या सामान मिल गया, थैंक यू सो मच। मेरे लिए आज तक पता है वो जो नहीं है, वो आंटी नहीं है जो दादी बनती है, हाँ। सुषमा आंटी, वो लेकर आती है मेरे लिए इयररिंग। वो मुझे जब हम बहादुरगढ़ रहते थे ना, जब भी वो मेरे लिए इयररिंग लेकर आती थी, और यहाँ भी दो बार इयररिंग लेकर आई है। अब आप मेरे लिए ये लेकर आए हो, मतलब मुझे ना जो आते हैं कोई ना कोई कुछ कुछ देता रहता है। और रचित की मम्मी खाने में कुछ ना कुछ बना के भेजती रहती हैं, वो भी कुछ ना कुछ लाती है। स्वीट लड़की है ना मैं हुई, इतनी सुंदर इतनी प्यारी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप ये लेकर आए। और ये मैं लाई थी दोहा से, सब सामान दोहा से लाई। दोहा क्या है? कतर। कतर गई थी मैं घूमने, दुबई के पास। दुबई गए थे आप? कतर गई थी ना मैं घूमने। कब गए? टाइम हो गया, लाई पहले का थी, अब लेके आई मैं। ये आपके डार्क सर्कल्स कैसे हो गए हैं? डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं आपके काफी। रुको, मेरे पास ना डार्क सर्कल्स के लिए एक इलाज है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, मैंने टॉवल वगैरह निकाल लिया है, मेरे बाल अभी भी गीले हैं, और मैंने फेस पे ना थोड़ा सा टचअप कर लिया है। अब देखो यार, शूट वगैरह होता है तो टचअप कर लेते हैं, जो मेरे स्किन के थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, वो कवर हो जाते हैं। पर हर टाइम हम जब नॉर्मली घर पे रहते हैं तो हम मेकअप करके तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि मेकअप से स्किन भी थोड़ी खराब होती है। और आजकल देखो दिल्ली और गुड़गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, और इस ठंड में क्या होता है ना, मेरी स्किन पे एक्ने हो जाता है। गर्मियों में तो होता ही होता है, मुझे ना सर्दियों में भी एक्ने हो जाता है ना, तो ज्यादा मेरी स्किन ठंड बर्दाश्त कर सकती है और ना ही ज्यादा गर्मी, तो मेरे एक्ने हो जाता है, और थोड़े थोड़े ना यहाँ पे ऐसे दाग धब्बे से हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों से, मतलब कुछ टाइम से मैं पिंपल्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान थी, और मैंने एक मैं दवा भी लगाती थी जो मैंने आपको बताया था, वो बहुत अच्छी थी। और उसके अलावा भी वो जैसे हैवी होते हैं ना, वो आपको रिकवर करने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन जो धब्बे होते हैं ना उसको भी हटाना होता है। उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ गाइज। हमेशा मेरा जो है इंडोर शूट तो होता नहीं है, आउटडोर भी शूट होते हैं, और आपको पता है आउटडोर शूट में सन एक्सपोजर जब पड़ता है उससे भी काफी असर पड़ता है, और आपको तो पता ही है मुझे इवन टोन स्किन पसंद है। इन सबसे बचने के लिए मैं यूज करती हूँ ममार्थ की ब्लेमिशेस बाय बाय फेस क्रीम। गाइज इसमें यूज्ड विटामिन सी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट स्किन को ब्राइट करता है, और मलबरी एक्सट्रैक्ट के एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी एगिंग एजेंट की तरह काम करता है। गाइज ममार्थ के सभी प्रोडक्ट केमिकल से एकदम फ्री है और बिल्कुल नेचुरल है। और हाँ, ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव और इंडियन ब्रांड है। अब देखो गाइज, डार्क सर्कल्स तो मुझे है नहीं, तो मैं वो मेकअप से भी रिमूव नहीं करती। हाँ, पर अभी आपने देखा कि शिल्पा मम्मा को नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है, मैं उनको ये बताने जा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ साथ देख लो। यहाँ पे देखो मम्मा पढ़ रही है स्क्रिप्ट, तैयारी कर रही है, और मैंने अभी आपको बोला ना आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो ये क्या है, आप मेरे लिए कुछ लाए थे, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई। ये देखो मेरे को जो पिंपल्स हो रहे थे ना, दाग धब्बे हो रहे थे, उसके लिए तो ये है। आपको डार्क सर्कल्स है, मेरे को नहीं है, तो आपके लिए ये बेस्ट है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ और ऑडियंस को भी बता देती हूँ। अब गाइज देखो, मेरे को तो डार्क सर्कल्स है नहीं, पर देखो शिल्पा मम्मा को डार्क सर्कल्स है। ये है ममार्थ की बाय बाय डार्क सर्कल्स क्रीम। देखो ये ना बिल्कुल लाइट वेट है, इसके अंदर अवेलेबल कुकुम्बर आई स्किन को नरिश करता है, इसके अंदर फ्लावर एक्सट्रैक्ट मिलिनिन डिपोजिशन को रिड्यूस करता है। चलो अब मैं इसको आपके फेस पे यूज करके दिखाती हूँ, ठीक है? ठीक है, मतलब मैं भी जवान हो जाऊंगी। जवान नहीं, डार्क सर्कल चले जाएंगे। लगाओ। जल तो नहीं रहा, मुझे लगता था ना कि आई के नीचे कुछ लगाने तो जलेगा। नहीं, ये आई के नीचे के लिए ही है ना। ठंडा ठंडा आया है ना। दिख तो नहीं रहा। नहीं, अब रेगुलर लगानी पड़ेगी है ना। हो गया, कितने दिन लगानी है इसे रेगुलर? अरे ऐसी लगानी थी जैसे मैं लगा रही थी है ना।
इसमें भी ये लिखा है टेक अ पी साइज्ड अमाउंट ऑफ क्रीम ऑन द टिप ऑफ योर रिंग फिंगर, ऐसे करके लेके अप्लाई क्रीम अंडर बोथ हर आईज, ऐसे लगानी थी एक्चुअली, ऐसे करके ऐसे ठीक है। गाइस आप देख ही सकते हो इनकी स्किन एक ही बार लगाने में कितने डिफरेंट लग रहा है, और अगर ये रेगुलर लगाएंगे तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और रिसेंटली गाइस ममार्थ ने अपनी एक ऐप भी लॉन्च की है जहां पर यूजर्स को ईयरली एक्सेस भी मिलता है, सेल्स का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है, और जब भी आप ममार्थ से कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तब ये आपके ऑर्डर को वेबसाइट से लिंक करते हैं और एक ट्री प्लांट करते हैं। और पता है मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ममार्थ ना ये जो इनिशिएटिव है ना ट्री लगाने वाला, इसके अंदर 2025 तक ना 1 मिलियन ट्रीज लगा देंगे। आपको ये पता था? ये मैं अभी बताने वाली थी। और हाँ गाइस एक चीज और, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे सिब्बो 2023 तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा ममार्थ.in और ममार्थ ऐप पर। मैं तेरी मम्मी हूँ ना तो मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिला दियो। 25% 30% ठीक है, मैं बात करती हूँ। वैसे गाइस 20% तो फिक्स है, बाकी देखती हूँ बात करके। और गाइस ममार्थ के प्रोडक्ट अमेजोन नायका फ्लिपकार्ट अमेजोन नायका फ्लिपकार्ट और आसपास के स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। पिछली बार बताया था ना तूने? अरे हाँ मैं भूल गई थी, दोबारा बता देती हूँ। अच्छा। तो यहाँ सब पे अवेलेबल है और आपके आसपास पे स्टोर पे भी अवेलेबल है। अगर आप नेक्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट आप अपने आसपास के स्टोर पे देखें तो मुझे आप नीचे कमेंट में करके बता सकते हो या मैसेज करके भी बता सकते हो। गाइस ये देखो हमारे घर में क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है? रचित ये क्या हो रहा है? रचित इंस्टा की, ओ गाइस इंस्टा की शादी होने वाली है, मेरे को क्यों नहीं बताया? मेहमान आ चुके हैं। दुल्हन कहाँ है? दुल्हन पार्लर गई हुई है 2 घंटे से। इंस्टा तेरी बीवी पार्लर गई है? आगे आगे भागा भागा ने इधर के आगे बैठेगा अब ये। और यहाँ पे गाइस देखो बहन बना रही है पुलाव। पुलाव बनाना किसने सिखाया? खुद से। मैंने सिखाया, मेरी कभी तो तारीफ कर दिया कर। मैंने सिखाया पुलाव बनाना। तुझे सिर्फ रोटियां आती हैं और एक खिचड़ी आती है। उस दिन पुलाव किसने बनाया था ये बता पहले। उस दिन बनाया था तूने? हाँ तो फिर तुम रेसिपी तो मैंने बताई थी ना। और यूट्यूब से देखा था मैंने। झूठी, वाह वाह इंस्टा की शादी हो रही है मेरे पास, उसकी कर दियो उसी मंडप में।